सर ये साइड में सर धूप आ रही है, वो धूप है अंदर अंदर से बैनर के पास, बैनर के पास नहीं उधर छाव मिलो ना सर, अच्छा छाव पे आओ सर, पीछे और पीछे और पीछे और पीछे, हां हां बस छाव में रहेगा बस, इनका फोटो ले कैसी फीलिंग है? फीलिंग बहुत बढ़िया, एक नंबर, बाहर आके फीलिंग किसको अच्छी नहीं होती, जिंदगी तो यही है। थोड़ा सा पीछे कितना मिस कर रहे हैं मैम को? मैम को बहुत ज्यादा, बस आने वाली 28 तारीख है, संडे का इंतजार है, ज्यादा प्रैक्टिस हो रही है, कल समर्स भी आए थे, सब के पास हो रहा है, अच्छे से चल रहा है, बस वोट करिए और देखिए अच्छा रिजल्ट आए जल्दी। अब चार लोग बचे तो उसमें से क्या लग रहा है आपको फेवरेट? अंकिता मैम को कौन टक्कर कौन देने वाला है? अंकिता मैम को टक्कर मुनव्वर डेफिनेटली देगा और अभिषेक भी दे सकता है, इनफैक्ट मनारा भी बहुत अच्छा कर रही है शो में, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं, बट मुझे, मैं चाहता हूँ कि अंकिता ही जीते, सारा सपोर्ट अंकिता को देना भगवान प्लीज। बहुत बढ़िया भाई, जो जर्नी थी आपकी कमाल की थी, जर्नी कमाल की थी, लोगों को अच्छी लगी, आई एम सो थैंकफुल, सबको बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। ना आपकी लैंग्वेज से किसी को तकलीफ हुआ ना कुछ हुआ, एकदम प्रॉपर, थैंक यू। आपको कैसा लगा लाइफ? कैसे बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, बस बहुत रिलैक्स और रिलीव्ड हूं, बस अंकु जल्दी आ जाए वापस, जीत के ट्रॉफी घर आ जाए, इतना ही चाह रहे हैं सब लोग, बस मिस कर रहे हो जी बहुत ज्यादा, आदत हो गई यार, इतना तो शादी के पहले रहने की आदत नहीं थी, इतना साथ में रह ली और अब तो ऐसा लग रहा है जल्दी आ जाए बस वापस। अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें, एक मिनट, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें सब लोग बोल रहे हैं कि अंकिता जी को वाइट वॉश करा जा रहा है, इसके क्या बोलना था? कुछ भी ऐसा नहीं है, वहाँ पे सलमान भाई ने 10 बार बोला है कि कोई भी चीज मुनावर की फैंडम कह रही है ये भाई, करो यार, आप क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उस जगह पे कोई कुछ व्हाइट वॉश किया नहीं जा सकता है, जैसा जो है वहाँ पे वही दिखाई देता है, कुछ चीजें गेम के प्रेशर में वहाँ पे हो जाती हैं, लेकिन रिश्ते वही स्ट्रॉन्ग है, वहाँ से निकलने के बाद अच्छे से रहेंगे, बस वही रिश्ते। मनु पंजाबी प्रोपेगेंडा चला रहा है अंकिता लोखंडे के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? मनु पंजाबी को बस मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि सारी चीजों को अच्छे से एक उस अप्रोच से देखें कि वहाँ पे रियल कौन रहा है, रियल वही रहे हैं जिनके हर इमोशन सामने आए हैं, और अगर कोई भी ऐसा इमोशन है जो हम लोग का पर्सनल हो या हमारा गेम शो में आया है, वो सारा रियल इमोशन था, तो गेम ऑफ पर्सनालिटी था। अपने रिव्यू में काफी गलत गलत जिस तरह से कमेंट कर रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सी कमेंट्स जो कर रहे हैं वो सारे एक पर्सनल उन पर्टिकुलर लोगों का ही पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसको प्लीज़ नैरेटिव ना बनाए, सबने बहुत मेहनत की है वहाँ पे और बहुत अच्छे से सब लोगों ने खेला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको फेयर चांस मिलना चाहिए, और अंकिता हैज़ बीन वेरी वेरी रियल विथ हर इमोशंस, बहुत अच्छे से उन्होंने अपने इमोशंस को वहाँ पे दर्शाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रू विनर हैं शो। लोगों का कहना है कि मुनावर फारूकी को विमेनाइजर कह रहे हैं, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि विमेन चीटर भी कहा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ दुनिया जो चाहे कह ले, अगर उन्हें ऐसा कहीं ना कहीं अगर एहसास होगा कि उनसे ऐसी कोई गलतियां हुई हैं, तो अगर वो सुधार लेंगे तो वो एक बेहतर इंसान की तरह इस दुनिया के सामने। आपको लगता है ट्रॉफी उनको मिलना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है ट्रॉफी अगर उनको मिलेगा तो बहुत बैड मैसेज आएगा। बैड मैसेज का तो मुझे नहीं पता, मे द बेस्ट विनर विन, बट ट्रॉफी अंकिता को ही मिलेगी।